इंडिया में अगर टू व्हीलर कैटेगरी की बात करें तो टोटल तीन कैटेगरी आ जाती हैं, पहला बाइक, दूसरा स्कूटर या स्कूटी, तीसरी कैटेगरी है मोपेड की। जी हाँ, आज मैं वही मोपेड लेकर आ चुका हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शुभम। आज मैं लेकर आ चुका हूँ TVS की XL कम्फर्ट। दोस्तों मैं इसको चलाकर देखने वाला हूँ, इसके प्राइस बताने वाला हूँ, इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं और जानते हैं इस मोपेड के बारे में। सो गाइस, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर इसके डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो काफ़ी छोटी ये डिज़ाइन की गई है। हालाँकि यहाँ पर कंपनी एक बिल्कुल यूनिक यहाँ पर इसकी डिज़ाइन देती है। आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही ये छोटी सी और खूबसूरत सी दिखाई देती है। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी गई है। अमूमन कुछ कम्यूटर सेगमेंट की बाइक भी इतनी वेल फिनिश्ड नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉपर यहाँ जो पेंट यूज़ किया गया है प्रॉपर है, जो स्टिकर्स हैं वो प्रॉपर फिनिशिंग है। यहाँ पर आप ये जॉइंट्स वगैरह देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको प्रॉपर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इसके फ्रंट पोर्शन से, तो फ्रंट पर कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाता है। और ये मॉडल है XL 100 कम्फर्ट। और अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करूँ, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इसमें स्पोक व्हील ही आता है, इसमें कोई एलॉय वगैरह नहीं आता है। टायर साइज़ की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 16 इंचेस का नॉन ट्यूबलेस टायर। इसके साथ में अगर मैं यहाँ पर इसके सस्पेंशन की बात करता हूँ तो ये आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पर मिल जाते हैं। ये यहाँ पर देखेंगे आपको ब्लैक कलर में मैट फिनिश में देखने को इसका सस्पेंशन मिल जाता है। इसके साथ में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर फेंडर की, तो फेंडर पे आपको कोई भी स्टिकर देखने को नहीं मिलेगा, प्लेन शेड में मिलेगा। इसके साथ में आप यहाँ पर देखेंगे ये BS6 वेरिएंट है, तो यहाँ पर BS6 की वेजिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ अगर मैं ब्रेक्स की बात करूँ तो कंपनी यहाँ पर SBT सिस्टम यूज़ करती है। जी हाँ, सिंग ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, तो आपको यहाँ पर SBT मिल जाती है, जो कि ब्रेकिंग के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट की, तो यहाँ पर आप ये बल्ब देख रहे हैं, आपको एक बड़ा सा बल्ब मिल जाता है जो कि 35 वॉट का आ जाता है। इसके साथ में आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर आपको LED मिल जाती है। यहाँ पर आपको अगर हैलोजन बल्ब यूज़ करना है तो आप हैलोजन बल्ब यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर LED यूज़ करना है तो आप LED यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पर स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसा मैंने इसको स्टार्ट कर दिया तो अभी ये LED जलने लगी। और अगर मैं यहाँ LED की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। इसके साथ में अगर यहाँ पर हैलोजन बल्ब यूज़ करना है तो हैलोजन बल्ब भी यूज़ किया जा सकता है। तो जैसा आपने यहाँ पर देखा कि ये हैलोजन बल्ब यहाँ पर जलने लगा, तो हैलोजन बल्ब और यहाँ पर LED ऑप्शनल है, जो आप चाहें वो जला सकते हैं। और यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ बल्ब की, तो बल्ब भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। जैसा आप देख रहे हैं अभी दिन है और काफ़ी तेज़ यहाँ पर इसका उजाला है। इसके साथ में अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर कंपनी ने अपनी TVS की यहाँ पर बैजिंग दे दी है, एक छोटा सा आपको स्टिकर देखने को मिल जाता है। और साइड में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको हाउसिंग देखने को मिल जाती है। हालांकि ये हेडलाइट हाउसिंग वाली पहले नहीं आती थी, लेकिन अब यहाँ पर कंपनी ये मॉडल देती है। साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर खूबसूरत से आपको स्टिकर देखने को मिल जाते हैं, जो प्रॉपर यहाँ पर फिनिश्ड है। इसके साथ में अगर यहाँ पर मैं टर्न सिग्नल लैम्प की बात करूँ, तो छोटे से बहुत प्यारे से नॉर्मल बल्ब के साथ में टर्न सिग्नल लैम्प्स आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल है। फ्रंट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसी आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। इसके साथ में अगर मैं राइट पोर्शन की बात करता हूँ तो राइट प्रोफाइल आपको कुछ ऐसी देखने को यहाँ पर मिलती है। और इसके साथ में अगर मैं यहाँ पर फ्यूल टैंक पे जाता हूँ, सबसे पहले फ्यूल टैंक की कैपेसिटी रखी गई है 4 लीटर्स की। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं तो TVS की यहाँ पर बैजिंग दी गई है, और ये दूर से ही काफ़ी हाईलाइट करती है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें अभी 3 कलर अवेलेबल हैं, एक ये सिल्वर कलर आ जाता है, एक इसमें गोल्डन कलर आ जाता है, और एक ब्लू कलर आ जाता है। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉपर आपको फिनिशिंग देखने को मिलेगी। इसके साथ में यहाँ पर कंपनी ने इसको थोड़ा सा प्रीमियम बनाने की कोशिश की है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्रोम फिनिश्ड में इसका क्रैश गार्ड देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पर क्या है कि मोपेड ज़्यादातर लोग लेते हैं जिनको बिज़नेस करना होता, बिज़नेस मतलब जो फेरी वगैरह का काम करते हैं, दूधिए लेते हैं, या जो अपने इंडिया के जो किसान वगैरह हैं वो लेते हैं, या जो लोग बाइक या जो स्कूटर नहीं चला सकते हैं, जिनको एक हल्का व्हीकल चाहिए होता है, वो लोग प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जिसमें कुछ भी सामान वगैरह रखना चाहे तो रख सकते हैं। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं एक छोटा सा बॉक्स, तो यहाँ पर पेपर वगैरह अगर आप रखना चाहते हैं तो पेपर वगैरह रख सकते हैं। इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ, तो ऐसे आप खोलेंगे और यहाँ पर छोटा सा ये बॉक्स आ जाता है, तो यहाँ पर आप रख सकते हैं।
इसके साथ में आप साइड में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ETFi EcoThrust की बैजिंग मिल जाती है, जो कि ETFi इंजन आ जाता है। यहाँ साइड में आप देखेंगे तो XL 100 कम्फर्ट लिखा हुआ है, जो कि ये XL 100 वेरिएंट है, तो उसका नाम लिखा हुआ है, उसी की यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये मेटल आ जाता है। इस मोपेड में ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेटल ही मिलता है। जो यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट का कवर है, उसको कंपनी ने क्रोम फिनिश्ड दिया है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर मोपेड को कंपनी ने कोशिश किया है थोड़ी सी ये प्रीमियम देखने में लगे। अगर मैं यहाँ पर रियर ब्रेक की बात करता हूँ तो 110 mm की ड्रम ब्रेक आ जाती है। साथ में अगर टायर साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर 16 इंचेस के आपको टायर मिल जाते हैं। रियर सस्पेंशन आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर मिल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं और उबड़ खाबड़ रास्तों के लिए काफ़ी अच्छा है, हचके ज़्यादा पता नहीं चलते हैं। दूसरी चीज़ है, इसको उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप इस पर लोड वगैरह कैरी भी करते हैं तो सॉकर प्रॉपर काम करें। जैसा रूरल में क्या होता है कि कोई अगर लेडीज़ वगैरह बैठती हैं तो यहाँ पर उसको पकड़ के बैठ सकती हैं। साथ में यहाँ पर कुछ भी अगर सामान वगैरह टांगना है, झोला वगैरह टांगना है, तो आप यहाँ पर झोला वगैरह टांग सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ही अच्छी दी गई है। इसके साथ में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी कंपनी ने स्टिकर यूज़ किया है इसके सीट के नीचे। अब दोस्तों मैं यहाँ पर बात करता हूँ लेफ्ट पोर्शन की। अगर लेफ्ट पोर्शन की बात करूँ तो ऐसी कुछ है, यहाँ पर आपको प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। साइड में आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आई टच की बैजिंग दी गई है, जो कि ये सेल्फ स्टार्ट है। यहाँ पर एक्सल कम्फर्ट की बैजिंग दी गई है, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो सारी गार्ड मिल जाता है, ये यहाँ पर फुटरेस्ट आ जाता है। चेन कवर की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको कंप्लीट यानी फुल चेन कवर देखने को मिल जाता है, जो कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि चेन की लाइफ जो है बेटर हो जाती है जब चेन कवर पूरा फुल होता है, डस्ट वगैरह से चेन बची रहती है, तो ये चीज़ अच्छी है। यहाँ पर कंपनी ने फाइबर यूज़ किया है, सीट काफ़ी प्रीमियम यहाँ पर कंपनी ने बनाई है। और ये कम्फर्ट वेरियंट है, इसी में एक वेरियंट आता है TVS XL 100 हैवी ड्यूटी, वहाँ पर जो है सीट निकल आती है। वो स्पेशली जो लोग काम धंधा करते हैं, जो बिजनेस करते हैं फेरी वगैरह का, उनके लिए डिज़ाइन की गई है। यहाँ पर कंपनी ने फैमिली पर्पस के लिए ये डिज़ाइन की है, जिनको सिर्फ फैमिली के साथ में चलना है उन लोगों के हिसाब से यहाँ पर कंपनी ने डिज़ाइन किया है। ये आपको यहाँ पर डुअल शेड में देखने को मिल जाती है और ये कॉफ़ी ब्राउन कलर की आपको यहाँ पर सीट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा यहाँ पर सीट कवर है और जो कुशन क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। साथ में अगर मैं यहाँ कंफर्ट की बात करूँ, जैसा इसका नाम है वैसे ही यहाँ पर इसकी सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। पीछे देखेंगे तो पिलियन बहुत ही आराम से यहाँ पर बैठ सकता है, चौड़ी सीट है। साथ में यहाँ पर राइडर के लिए भी काफ़ी चौड़ी सीट डिज़ाइन की गई है। इसके साथ में आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ये पिलियन गैबरेल आ जाता है, तो यहाँ पर क्या है कि जो लोग पीछे टेक लेके बैठना चाहेंगे तो यहाँ पर भी कंपनी ने कुशन थोड़ा सा यूज़ किया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और कंपनी ने बहुत छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रख के इसको डिज़ाइन किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये जो गैबरेल आ जाता है वो भी क्रोम फिनिश्ड आ जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी ने काफ़ी कोशिश की है यहाँ पर इसको प्रीमियम बनाने की। रियर प्रोफाइल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको नॉर्मल बल्ब के साथ में इसकी टेल लैम्प मिल जाती है और यहाँ छोटे से आपको टर्न सिग्नल लैम्प देखने को मिल जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि ये बहुत ही पतला यहाँ टायर आ जाता है, हालांकि अगर थोड़ा सा टायर चौड़ा यहाँ पर कंपनी देती तो काफ़ी बेटर हो जाता। मैं यहाँ अगर हैंडल की बात करता हूँ तो आपको ये क्रोम फिनिश्ड हैंडल देखने को मिल जाता है, छोटा सा हैंडल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ग्रिप की बात करता हूँ तो ग्रिप काफ़ी अच्छी है, आप आराम से इसको पकड़ सकते हैं और ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है। इसके साथ में अगर मैं यहाँ स्विचेस की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि आपको हैलोजन बल्ब का यूज़ करना है या LED का यूज़ करना है, तो यहाँ पर ये स्विच आपको मिल जाता है। साथ में आपको यहाँ लो बीम और हाई बीम के लिए ये स्विच मिल जाते हैं। यहाँ नीचे आपको टर्न सिग्नल लैम्प के लिए स्विच मिल जाते हैं और यहाँ बहुत ही छोटी सी येलो कलर की आपको हॉर्न का स्विच मिल जाता है। एक चीज़ मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी यहाँ पर, जो कंपनी राइट में जो स्विच यूज़ कर रही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर इंजन किल स्विच का दिया गया है। अमूमन ज़्यादातर कम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स में आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलता है। अब इसके साथ में अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कंसोल पैनल की, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा आपको एनालॉग में देखने को मिल जाता है। इधर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पर ऑडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पर टर्न सिग्नल लैम्प के लिए लेफ्ट और राइट के लिए मिल जाता है, यहाँ पर हाई बीम के लिए लाइट दी गई है और यहाँ इंजन मेलफंक्शन का है। तो अगर मैं इसके बाद इग्निशन की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी की यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर फ्यूल इंडिकेटर आ जाता है और ये आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पर जैसे ही आप मोपेड को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर वो लाइट जलती हुई नज़र आएगी। वही दोस्तों अगर मैं इंजन की बात करूँ तो यहाँ पर दिया गया है 99.7 cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन। और वहीं अगर
अगर मैं पावर की बात करूँ तो 4.3 bhp की पावर मिल जाती है, 6.5 nm का टॉर्क मिल जाता है। अगर इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री की बात करूँ तो इंडिया में इकलौती कंपनी है जो आज के टाइम पे ये मोपेड बना रही है, यानी मोनोपोली है। हालांकि इससे पहले हीरो और होंडा दोनों ने ही बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए और टीवीएस मोटर कंपनी कई सालों से इसमें माहिर। तो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में जो टॉप 10 की कैटेगरी है टू व्हीलर की, उसमें मोपेड हमेशा अपनी जगह बना के रखता है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि ये टॉप 5 में भी अपना नाम दर्ज कर लेता है। तो ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, जो काफ़ी लोगों को ये भी नहीं लगता है कि इसकी सेल होती है, लेकिन इसकी अच्छी खासी इंडिया में सेल है। कई बार तो ऐसा होता है कि 1 लाख यूनिट तक भी इसने टच किया है इंडिया में सेल में। इसका एक्सशोरूम प्राइस आ जाता है 45,333 रुपीज़, जी हाँ 45,333 रुपये इसका प्राइस रखा है। हालांकि इसका प्राइस लोगों को काफ़ी ज़्यादा लगता है और मुझे भी इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अगर कंपनी यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा कम कर देती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। हालांकि कंपनी ने यहाँ पर अपना प्राइस प्रूव करने की कोशिश की है। यहाँ पर इसकी जो मटेरियल कंपनी ने यूज़ किया है वो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर कंपनी ने यूज़ किया है, शायद कंपनी इसीलिए थोड़ा सा यहाँ प्राइस इसका ज़्यादा रखती है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा अगर यहाँ पर कंपनी थोड़ा सा इसका प्राइस कम रखती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। अगर मैं यहाँ पर इसकी बैटरी की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर मेंटेनेंस फ्री बैटरी आपको मिल जाती है। सो गाइस फाइनली मैं इसको चला कर देखता हूँ, तो अगर मैं बात करूँ तो मेरी हाइट लगभग 5'8" 5'9" के आसपास में हाइट है मेरी। और मैं हैंडल की बात करूँ तो मेरा हैंडल जो है ऐसा नहीं है कि ये बहुत छोटी है, मुझे ऐसे हाथ मोड़ना पड़ रहा हो, मैं बिल्कुल स्ट्रेट होके इसको यहाँ पर पकड़ पा रहा हूँ। दूसरी चीज़ है अगर मैं हाइट की बात करूँ तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा पैर जो है प्रॉपर ज़मीन में लग रहा है। तो जिनकी हाइट अगर कम है उनके लिए भी अच्छा है और जिनकी हाइट नॉर्मल है उनके लिए भी आराम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती यहाँ पर आप ये स्विच देख रहे हैं तो आपको हल्का सा प्रेस करना है ब्रेक के साथ में और ये यहाँ पर स्टार्ट हो गई। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है कि आपको यहाँ पर देती है आई टच, इसका नाम देती है, तो आपको सिर्फ एक बार इसको टच करना है और ये स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही हल्की है और इसको आप जैसे चाहें वैसे इसको आप चला सकते हैं। इसका जिस हिसाब से इंजन है उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पिकअप की बात करता हूँ तो पिकअप इसका ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रेक है ना, ये चीज़ आप देख रहे हैं कि सडन ब्रेकिंग नहीं है कि आप जैसे एकदम से ब्रेक लेते हो और थोड़ी दूर पे जाके ये रुक जाए, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रही है। हालांकि ये जो मोपेड है ये उस कैटेगरी की नहीं है कि इसको भगाया जाए या भगाने की ज़रूरत है। इसको लोग जो लेते हैं, जो लोग फेरी करते हैं, जो लोग डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं या जो भी हमारे दूधिया भाई हैं, जो किसान भाई हैं, वो सारे इसको परचेज़ करते हैं। हालांकि जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी ये परचेज़ करते हैं, जिनको बाइक या स्कूटर थोड़ा सा बड़ा लगता है वो लोग भी इसको परचेज़ करते हैं। इसीलिए यहाँ पर कंपनी इसको उस कैटेगरी में इसको डिज़ाइन करके रखी हुई है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है व्लॉगर शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।